तो दोस्तों ये है मीवी डुओ पॉड्स के 5 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स और यह इसकी बॉक्स की फ्रंट साइड की पैकिंग। तो यहाँ हमें मीवी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं, ईयरबड्स के लुक को डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं एंड नीचे में आपको डुओ पॉड्स के 5 का जो ब्रांडिंग है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड बॉक्स की राइट साइड की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड से आप सबको कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं एंड यह इसकी बॉक्स की बैक साइड की पैकिंग। तो यहाँ हमें ऊपर की साइड में इस ईयरबड्स से रिलेटेड जो फीचर्स वगैरह है उसे मेंशन किया गया है। एंड बॉक्स के नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप सबको इसका मैन्युफैक्चर डिटेल और MRP प्राइस वगैरह मेंशन किया गया है। तो इस बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और चेकआउट करते हैं कि हमें इसमें से क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सबको यूज़र मैनुअल एंड कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप सबको यहाँ पे USB टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है और नेक्स्ट आप सबको मिल जाते हैं सिलिकन के एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जिसे आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। और नेक्स्ट आप सबको मिल जाते हैं मीवी डुओ पॉड्स के 5 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। तो गाइस यही सारी चीज़ें आप सबको इस बॉक्स में से मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम मीवी डुओ पॉड्स के 5 ईयरबड्स का चार्जिंग केस का फिज़िकल ओवरव्यू की बात करेंगे। तो यहाँ आपको फ्रंट में मीवी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं एंड ये जो मेरे पास केस है फुली ब्लैक कलर के साथ में आता है और पूरा का पूरा मैट फिनिशिंग में आता है। और इसका जो लुक और डिज़ाइन की बात करें तो ये राउंड शेप में आता है और इसके फ्रंट साइड की बात करेंगे तो पूरा मैट है, किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। एंड बैक साइड की बात करेंगे तो यह इसका बैक साइड का लुक और डिज़ाइन, तो बैक से भी आप सबको एकदम प्लेन और पूरा का पूरा ब्लैक एंड मैट फिनिशिंग में ही देखने को मिलते हैं। एंड अगर चार्जिंग केस के पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जहाँ से हमें इस चार्जिंग केस को चार्ज करना होता है। एंड इसके फ्रंट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप सबको LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बताता है। और अगर हम बात करें इसके चार्जिंग केस के इंटरनल लुक को डिज़ाइन के बारे में तो अंदर से कुछ स्टेप्स आप सबको देखने को मिल जाते हैं। लुक को डिज़ाइन के मामले में मुझे इसका जो लुक को डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा और यह है मीवी डुओ पॉड्स के 5 ईयरबड्स के लुक और डिज़ाइन। तो ये फ्रंट से आप सबको मेटेलिक लुक और डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं और ये जो ईयरबड है हमारा पूरा का पूरा ग्लोसी फिनिशिंग में आता है जिसके ऊपर आपको शाइनिंग देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो ईयरबड है ये इन ईयरबड स्टाइल में आता है जिसके आगे आप सबको सिलिकन के ईयर टिप्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। एंड ये जो ईयरबड हमारा टच कंट्रोल के साथ में आता है और यह इस ईयरबड के बैक साइड के लुक और डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप सबको लेफ्ट और राइट मेंशन किया गया, चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, सिलिकन के ईयर टिप्स मिल जाते हैं। एंड बात करें हम इस ईयरबड्स के कंफर्टेबल के बारे में तो गाइस इसकी जो फिटिंग एंड कंफर्टेबल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कानों से जो इसकी गिरने के चांस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। और अब हम बात करें इस ईयरबड और इसके चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एवरेज लगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मीवी डुओ पॉड्स के 5 ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में। तो इसमें आप सबको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाते हैं, कॉलिंग के लिए आप सबको इसमें AI ENC टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि ड्यूअल माइक के साथ में आते हैं, म्यूज़िक के लिए आप सबको इसमें 13 mm का ड्राइवर मिल जाते हैं, गेमिंग के लिए आप सबको इसमें 50 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, टच कंट्रोल मिल जाते हैं एंड इसमें आप सबको IPX4 का स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं। और बैटरी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसमें आप सबको 50 hours का बैटरी प्ले टाइम मिल जाता है जो कि विद चार्जिंग केस के साथ में आता है और साथ ही में आप सबको इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप सबको मीवी डुओ पॉड्स के 5 ईयरबड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप सबको इस ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।